हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट कितने तरह का है, कौन कौन सा है। हमारे इंडियन पासपोर्ट जो है वो बेसिकली चार तरह का आता है, वो रेड, वाइट, ब्लू और ईसी। ईसी का मतलब इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, जब आपके ओवरसीज आप रह रहे हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, किसी वजह से गुम हो जाता है और आपको अगर इमरजेंसी में इंडिया ट्रेवल करना है, वो वाइट कलर का पासपोर्ट इशू करते हैं, जिसे ईसी पासपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद जो है हमारे दो और तरह के पासपोर्ट हैं, जो रेड और वाइट है, वो इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन जो बहुत ऊपर अहदे पर लगे हुए हैं, हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस या फिर कह लिए SBI के जर्नल्स, उनके लिए ये पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। और जो नॉर्मल लोग हमारी पॉपुलेशन है, उनके लिए पासपोर्ट ब्लू कलर का पासपोर्ट इशू किया जाता है। ब्लू कलर के पासपोर्ट में जो होते हैं, दो तरह के पासपोर्ट होते हैं, ECR और ECNR। जो ECR होता है वो पासपोर्ट उन लोगों के लिए होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते और जिनके पास क्वालिफिकेशन मैट्रिक तक की अपनी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होता, उनके लिए ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। और ECNR पासपोर्ट जो इशू किया जाता है, उनके लिए इशू किया जाता है जिन्होंने कम से कम अपनी 10th की एजुकेशन पूरी की है। और ECR ECNR के फ़ायदे, जो ECNR पासपोर्ट का फ़ायदा वो है कि आप अगर इमिग्रेशन चेकिंग नहीं होती कुछ कंट्रीज़ में, और ECR में इमिग्रेशन चेकिंग होती है, जैसे आपके वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपको उसमें वो जो इंडियन इमिग्रेशन होती है वो पहले आपको चेक करते हैं प्रॉपरली, फिर वो आपको बोर्डिंग करने देते हैं। और अगर हम पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करें, जो हमारा नॉर्मल ब्लू कलर का पासपोर्ट जो हमें इशू होता है, वो आप रैंकिंग www.passportindex.org पे चेक कर सकते हैं। जो हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 66th रैंकिंग है वर्ल्ड में, वो 166 कंट्रीज इसमें मौजूद हैं, उसमें से हमारी रैंकिंग 66th है। और जो लास्ट बॉटम तीन कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान, इराक और सीरिया। और इन पासपोर्टों को इतने फेमस नहीं है, उनको कम कंट्रीज ट्रैवल है वीज़ा फ्री के लिए। और जो भारत का पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग 66th है। उसके साथ हम जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं, वो तीन तरह की वीज़ा फ्री कंट्रीज़ होती हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री और ई वीज़ा। इसमें से वीज़ा फ्री जैसे टर्म अपने आप में ही एक बता रही है आपको, वीज़ा फ्री कंट्री कौन सी होती हैं जिसमें आपको पास वीज़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और आप बिना वीज़ा इंडिया से उधर आप जा सकते हैं और आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। तो जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उसमें से आती हैं सर्बिया, भूटान। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है और मैंने सर्बिया के रिलेटेड एक वीडियो भी डाला है, क्योंकि आजकल ये नई ऐड हुई है वीज़ा, लास्ट ईयर 2017 में ये कंट्री ऐड हुई है हमारे वीज़ा फ्री कैटेगरी में। तो इसके रिलेटेड मैंने और वीडियो डाली है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट और मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्बिया में। तो उसके बाद भूटान है, डोमिनिक है, डोमिनिक एक नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, आप उधर भी घूमने जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। उसके बाद इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये फिजी पैसिफिक में आती है, और मैकाओ जो काफ़ी फेमस है चाइना की एक सिटी है जिसमें आप टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं घूमने के लिए। ई वीज़ा की बात करें, ई वीज़ा जो है वो वीज़ा लेना बहुत ही इजी होता है, उसमें आपने सिर्फ अपनी डिटेल डालनी होती है कंप्यूटर में और वो आपको वीज़ा प्रिंट हो जाता है उसकी तरफ से। उसमें कुछ फ़ी होती है, उसकी आपको पे करनी होती है $10-15, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। इसमें जो फेमस कंट्रीज ई वीज़ा इंडियन पासपोर्ट होल्डर को प्रोवाइड करती हैं वो है आर्मेनिया, ये यूरोपियन कंट्री है, अजरबैजान, ये भी एक एशियन कंट्री है लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद बात करेंगे मलेशिया की, मलेशिया भी हमें एक ई वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल की। वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो इंडिया से जब आपको बोर्ड करना है फ़्लाइट, आपको वीज़ा शो इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं करने की ज़रूरत है। तो अगर आप यूक्रेन, मालदीव्स और भी कंट्रीज़ हैं, अगर आप उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी इंडियन पासपोर्ट पे मिलेगी। ये वीज़ा आपको यूरोप में जाकर मिलेगा और
ये वीज़ा आपको यूरोप और मालदीव्स में जब आप पहुंचेंगे तब आपको उधर वीज़ा स्टैम्प किया जाएगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर उनकी जो फ़ी होगी वो फ़ी लेंगे अपनी और वो आपको वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पासपोर्ट में एक और फैसिलिटी है फ्रेंड्स, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर लेजिट शानिगन वीज़ा, यूएस वीज़ा, यूके वीज़ा और जापान वीज़ा है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं, तो आप 40 से ज़्यादा और कंट्रीज़, जैसे 66 तो हैं उसके ऊपर 40 और कंट्रीज़ जो आप ट्रेवल कर सकते हैं इन वीज़ाज़ के साथ। तो अगर आपके इंडियन पासपोर्ट के ऊपर है वो कंट्रीज़ हैं दुबई है, मेक्सिको है, तुर्की है, जॉर्जिया है, क्यूबा है, सिंगापुर, सो ये बहुत अच्छी अच्छी कंट्री हैं जो आप ट्रेवल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपने मेरी वीडियो को लाइक किया होगा और इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।